अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे, हमारे व्लॉग्स देख रहे होंगे। काफ़ी अर्सा हो गया था हम लोग व्लॉग्स नहीं बना रहे थे क्योंकि हम ज़रा बिजी थे, तो व्लॉगिंग के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, एडिटिंग के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। वैसे तो आई गेस हमारे ज़्यादातर अब जो लास्ट व्लॉग्स हैं उनमें हम लोग यही बात करते जा रहे हैं, लोगों ने कहना है आप अपने चैनल को लगाएं ताला और घर जाएं, ठीक है। सो गाइज, सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, और सबके लिए बहुत सारी दुआ है कि आप सारे जो हैं वो इस नए जो साल है उसमें आपके लिए बहुत अच्छा साल हो, बीमारियों से हम बचें, कामयाबियां हो, जितने लोग डिप्रेशन का शिकार हों डिप्रेशन से बाहर आके फिट हो जाएं, सबकी दुआएं कबूल हो जाएं, जिस चीज़ की जो जो इश्यूज हैं वो सारे सॉल्व हो जाएं। और इस वक्त मैं और रमशा किधर जा रहे हैं वो हम लोग आपको हमें खुद भी नहीं पता कि हमने जाना कहाँ है, लेकिन प्लान ये है हम लोग का कि यस कि हम लोग न्यू ईयर नाइट बनाने के लिए ना मना रहे हैं, बच्चे अपनों में ईद मना रहे हैं, तो हम लोग अपनी न्यू ईयर मनाने के लिए मेरी उर्दू की टीचर मेरे साथ हैं, मनाने मीम अलिफ मा नून नुन्ना तू है, तो हम लोग अपना न्यू ईयर मनाने के लिए जो है वो अभी बाहर निकले हैं। सो साथ ही मैंने अपने छोटे भाई से भी कांटेक्ट किया, मैंने उसे पूछा भाई कि तुम क्या कर रहे हो, उसने कहा यार सिंगल बंदा क्या कर सकता है, चुप करके घर पे ही बैठ सकता है, तो मैंने उसे कहा कि हम आ रहे हैं, हम तुम्हें पिक करेंगे और उसके बाद कहीं बाहर चलते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं, कुछ लाइट्स वगैरह देखते हैं कि हमारे जो क्या कहते हैं हमारे हमारी हमारी सोसाइटी के लोग किस तरीके से एंजॉय करते हैं इस नए साल को, और चलो थोड़ा हम भी रिलैक्स हो जाएंगे इस बिजी रूटीन के बाद। और यस, हमारे साथ हदीद भी है जो कि सामने नहीं आएगा, सो चलें हमारे साथ और एंजॉय करें, आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे, वैसे तो आप एंजॉय करते ही हैं, तो लेट्स सी। सो जी, रश बहुत ज़्यादा हो रहा है लोग, और दिल चले होता है, मन चले होता है, मन चले जो हैं वो अपनों में न्यू ईयर बनाने के लिए निकल चुके हैं, मनाने के लिए निकल चुके हैं, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि सब भी एक मन चले हैं। मैं मन चला नहीं, मैं दिल जला हूँ मैं भी एक दिल जला हूँ, मन चली, इसमें तुम नजर ही नहीं आ रही। हमारे साथ मेरा छोटा भाई आदिल जो कि जो बिल्कुल कम कम नजर आ रहा है, और अब जो है वो आ गया है, जो कि पसंद नहीं करता कैमरे के सामने आना, और मेरी काफ़ी वीडियोस जो हैं इसकी वजह से रुकी हुई हैं जो मैंने बनानी है, लेकिन भाई सब टाइम ही नहीं देते क्योंकि वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, तो हम लोगों ने कहा कि हम आदिल को पिक करते हैं, और आदिल को पिक करके हम कहीं बाहर जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं और न्यू ईयर इन्जॉय करते हैं, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो आज हमारे लिए इन्होंने टाइम निकाला और ये हमारे साथ जो है ना आज आ गए हैं, थैंक यू वेरी मच आदिल, और बस अभी हम देखते हैं। यू आर वेलकम। लड़का कह रहा हूँ वेलकम। तो जी अभी हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोगों ने किधर जाना है, क्या खाना है, क्योंकि बहुत सख्त भूख लगी हुई है, मैं ऑफिस से आया था तो रमशा को बस पिक किया और हम लोगों ने कहा चलो बाहर चलें, तो पहले हम लोग जगह ढूंढेंगे कि हमने किधर कुछ खाने जाना है, उसके बाद थोड़ी लाइटें लूटें देखेंगे और कोशिश करेंगे कि हमें कहीं पे फायर क्रैकर्स नज़र आ जाएँ, फायर क्रैकर फायर वर्क नज़र आ जाए, सॉरी यार फायर वर्क। स्टेक हाउस डिसाइड किया है कि आज का जो डिनर है वो हम इधर करेंगे, और लेट्स सी हाउ इज़ इट। नंबर तो डेबिट और क्रेडिट
वो जी सबसे पहले तो हम लोगों ने एपेटाइजर में मंगवाए हैं कौन से डायनामाइट प्रॉन्स, ये मुझे और आदिल को बहुत पसंद है। तो जी आदिल ने हवाइन स्टेक मंगवाया है, मैंने मशरूम स्टेक मंगवाया है और रमशा ने स्पेशल कौन सा ऑक्स एंड ग्रिल स्पेशल स्टेक मंगवाया है। तो रमशा आपने एंजॉय किया स्टेक? स्टेक मजे का लगा आपको? हालांकि रमशा जो है वो स्टेक खाना पसंद नहीं करती। लास्ट टाइम याद है जब हम गए थे लेकिन अब रमशा ने ना स्टेक खाना शुरू कर दिया है। और ये देखें हमारे सामने मोल्टन लावा केक है जो कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिला है, और आजकल के ज़माने में कुछ फ्री मिले उसको हाथ से जाने ना दे। कैसा? यह जी के फाइल शारी की हद होती है, इस लड़की की हालत देखें, मोल्टन लावा के साथ क्या हालत की है इसने। एक ज़माने में यहाँ पे मोल्टन लावा होता था जिसके एक एक बूंद जो है ना ये लड़की कहती है मैं खा जाऊँगी, इतना तो मैं पसंद है घर से खा के नहीं आई। ये हाल होता है जब आप अपने मियाँ के कपड़े पहनते हैं। मेरे 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 बाबा तुम्हारे लिए लाए थे, ये मेरे अबू मेरे लिए जीन्स लाए थे जो मुझे बड़ी थी। तो रमशा ने ना मेरे से कहा कि ये मैं पहन लेती हूँ, तो रमशा ने ये ना जीन्स पहन ली, इसको पूरी आ गई। इसने मेरे भाई से पूछा कि आदिल ये जीन्स कैसी लग रही है, तो उसने कहा ये आपने कपड़ा इसका बढ़ाया। हालत देखे ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, बेबी के बाद ऐसे ही होता है। ऐसे बेबी के बाद नहीं होता, हर चीज़ बेबी के मत्थे लगा देती हो। सो जी अभी हम लोगों ने स्टेक खा लिया, अब देखते हैं कि हमारा क्या प्लान है। मीठा तो हमने खा लिया लेकिन मेरे भाई को बहुत शौक है लेयर्स खाने का। सो यहाँ पे जी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, और आप जब भी आपका चक्कर लगे फेज 7 तो आप आए यहाँ पे। मैकडोनल्ड्स, KFC, हार्डीज, मतलब ये बड़ा अच्छा है, इन्होंने एक पूरा इलाका बना दिया जहाँ पे सारे खाने पीने और जो है रोस्टर्स भी है यहाँ पे। मेरे छोटे भाई को मेरे ख्याल नहीं पसंद रोस्टर्स नहीं पसंद, क्योंकि मेरा जो भाई है वो स्टेक्स का बड़ा शदाई है और बड़े शौक से वो स्टेक खाता है। और एक दो जगह पे तो मैं भी उसके साथ गया हूँ तो भाई साहब ने आधा स्टेक ही छोड़ दिया कि जी आपके स्टेक का मज़ा नहीं है जो होना चाहिए। तो जब भी आदिल के साथ में जाता हूँ तो मैं बड़ा डरा हुआ जाता हूँ, दुआएं कर रहा हूँ कि या अल्लाह इसको स्टेक पसंद आ जाए। सो अभी तक इसको ऑक्स एंड ग्रिल का पसंद है स्टेक, वो भी फेज 4 वाली ब्रांच का। इस वाली में भी इसको कुछ इशूज नज़र आए, हाँ कुछ इसको मसला। ओ यहाँ पे तो मौका भी आ गई है, मौका आ गया है, मेराकी आ गया है। ओ यार मतलब सही लेयर्स यहाँ पे आ गया है। तो भाई ये जो पूरा हब है ना ये बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने बना दिया है, और मतलब मज़ा आता है इधर। आप जब भी आएँ तो इट्स जस्ट लाइक इस्लामाबाद का आप कोई F10 मरकज चले जाएँ, लाहौर चले जाएँ। लाहौल तुमने क्यों तब बोला? तुम इसी इलाके में घूम रही होती हो। तो जी ये पिज़्ज़ा हट है, बर्गर किंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और मुझे तो ख़ुद पर्सनली बड़ा मज़ा आता है जब भी मैं इधर आता हूँ। यहाँ पे इन्होंने ये रास्ता आज बंद किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे लड़के जो है ना वो गाड़ियों पे थोड़ी सी मस्तियाँ करते हैं। यहाँ पे एक ट्रक होटल बड़ा ज़बरदस्त बना है, TJ's कहते हैं आदिल उसे, TJT। तो इन्होंने ना ये एक ट्रक के ऊपर मतलब अंदर एक रेस्टोरेंट सा बनाया हुआ है, और बड़े मज़े के खाने यहाँ के भी किसी दिन आएंगे तो आपको बताएंगे। मैं और आदिल यहाँ पे एक इनका कुकड़ रोल होता था, कुकड़
कुकड़ रैप खाने कुकड़ रैप खाने आते होते थे यहाँ पे, और बड़े मजे का होता था, बड़े रीजनेबल प्राइस में है ये। तो जब भी आपको चक्कर लगे फेस सेवन जब भी आप आए तो ये इनका आके खाना ट्राई करें, बहुत ही अच्छा खाना है यहाँ पर, इन्होंने बड़ा जबरदस्त। अच्छा जी, ये आप देखेंगे एक आंटी हैं जिन्होंने ये टी एंड डोनट्स के नाम से यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉल बनाया हुआ अपनी गाड़ी के अंदर ही, और ये बहुत अच्छी बात है कि आजकल के ज़माने में ये इस तरह का काम कर रही हैं। ये काम मतलब हम लोग शर्म करते हैं कि यार हम नहीं कर सकते, हमें नहीं करना चाहिए, ये है वो है, लोग क्या कहेंगे, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि कोई इनिशिएटिव लेता है। आजकल इस्लामाबाद में बहुत चल रहा है सिस्टम। ये है जी TJT, यहाँ पे जो है ना मतलब बड़ा आवाम आई होती है खाने पीने के लिए। उसके साथ एक मंजू ने भी अपना छोटा सा स्टार्टअप स्टार्ट किया है यहाँ पर, और इनका भी अच्छा सा बड़ा स्टॉल सा बना हुआ है यहाँ पर। तो आए आगे देखते हैं कि आगे हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी न्यू ईयर नाइट कैसी गुजरती है। आई होप आप लोग हमारे साथ एंजॉय कर रहे होंगे। सो जी, सीन कुछ यूं है कि न्यू ईयर के ऊपर लेयर्स वालों ने अपनी कपकेक्स और चीज़ें जो है ना वो ख़त्म कर दी हैं, और सिर्फ अभी केक्स पड़े हुए थे, और मेरा भाई जज्बाती हुआ कि नहीं मैं पूरा केक खाऊंगा। मैं कहा भाई खुदा का खौफ करो, तो जो है ना आप केक ना खाएं, अभी हमने खा ली है। अब हम देखते हैं कुछ क्रूजिंग वगैरह करेंगे, कुछ हमें लाइटें शाइटें देख लेंगे। कोई तुम भी बैठी हुई हो, तुम भी नज़र आ रही हो, हेलो। और अगर हमें कोई लाइट्स वगैरह नज़र आ गई तो हम वो देख लेंगे और फिर चुप करके घर चले जाएंगे। हाँ जी, तुम नज़र आ रही हो, रमशा आ रही हो। हम लोगों ने तो बहुत इंजॉय किया, खाना खाया आदिल के साथ, हम लोगों ने मौका जाके मीठा खाया। अब जो है हम लोग आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ जा रहे हैं। रश तो बहुत ज़्यादा हो चुका है यहाँ पे, लोग बाहर निकले हुए हैं इंजॉय करने के लिए, और इस वक्त 11:47 हो चुके हैं। लेकिन अगर हमें कहीं पर थोड़ी सी कोई आग चलती हुई नज़र आ गई तो हम आपको दिखा देंगे। घर हम लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि दीदू ने सोना है, वो थोड़ा सा तंग हो रहा था, और दूसरा ये था कि ये सेफ भी नहीं है इतने रश में हम छोटे से बेबी को लेके बाहर निकले, आपको पता है। वैसे भी अभी जब ना शोर जी, तो दीदू ने तो रोना शुरू कर देना है, तो इसलिए हमारा ये है कि हम आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ निकलें। इन केस अगर हमें कुछ छोटी मोटी छुरली नज़र आ गई तो हम आपको दिखा देंगे, नहीं तो आप ना कहीं और देख लें, ठीक है। तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय बाय।